साइबर सिटी में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं इसकी बानगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल देर रात सेक्टर 29 में थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर युवक की पत्थरों से कुचल कर हत्या कर दी गई और पुलिस को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगी। और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले मामले की तफ्तीश शुरू की है। आज जैसे 7:30 बजे के करीब जो है कंट्रोल रूम से एक वीटी प्राप्त हुई थी कि ऐसे ऐसे कोई जो डेड बॉडी है ऐसे पड़ी हुई है, तो फिर उसके बाद हम तुरंत यहाँ मौके पे पहुँचा। हमने देखा तो उसका एक रिलेटिव जो है आया हुआ था, तो उसने बताया कि ये कंस्ट्रक्शन लेबर ही है, यहाँ पास की कोई बिल्डिंग बन रही है उसी में काम करता था। तो रात को वो जो उसने बताया कि 10:30 बजे के आसपास जो है वो घर से निकला था, उसके बाद उसको नहीं पता कि वो क्या और कहाँ क्या करने गया था। फ़ोन जो है उसके पास था नहीं अभी तक, जो जैसे जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके पास एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर बाल और ब्लड वगैरह लगा हुआ था कि शायद किसी ने मारा है या वो उसके ऊपर गिरा है। तो मतलब वो चीज़ 100% क्लियर नहीं है, बट यही लग रहा है अभी तक, जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि शायद किसी ने उसके सिर के कान के पास जो है, जैसे जो क्राइम सीन टीम ने ऑब्जर्व किया कि उसको पत्थर से ही जो है मारा है जिससे ये हादसा हुआ। पहचान क्या होती है? पहचान जो है उसकी मुन्ना नाम बताया है उन्होंने, और एज उसको कंफर्म पता नहीं था भतीजे को, तो अंदाज़ा वही है कि ये 32-33 साल के करीब जो है इसकी उम्र लग रही है। अभी कहाँ का रहने वाला है? बिहार का रहने वाला। अभी तो 10:30 बजे वो बस दिखा था यहाँ रोड के पास, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा हमने नहीं देखा है अभी, मतलब कोई ऐसी बात सामने की लड़ाई झगड़े वाली जो है किसी भी सीसीटीवी फुटेज में ऐसे हमने नहीं देखा। घर वालों ने कोई बताया किसी झगड़ा? नहीं, कोई कह रहे थे कि किसी से कोई झगड़ा कोई ऐसा इशू नहीं था।